रणजी बेसिकली फाउंडेशन है इंडियन क्रिकेट का। रणजी मतलब एक क्रिकेट का हार्ट है। आईपीएल अब भी आया है, एडवर्टाइजिंग ये वो, उसके वजह से आईपीएल का क्रेज ज्यादा थोड़ा। अच्छा आप करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। रणजी मैचेस के लिए छोड़ के आज? अरे यू मस्ट बी हैप्पी विद चेन्नई सुपर किंग्स डूइंग वेल मोर देन तमिलनाडु डूइंग बैडली इन रणजी ट्रॉफी। दिस इज सर्विस बैटिंग, गुड टू सी शार्दुल बैटिंग चेन्नई सुपर किंग्स राइट। अरे यार वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स गुरु ताऊस रिजवी, आप सबका स्वागत है। तो फिर से एक नई स्टोरी लेकर आ गया हूं मैं, और आज हम जा रहे हैं बीकेसी जहां पर मैच हो रहा है रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल। शार्दुल ठाकुर ने कल सेंचुरी बना दी थी, आज जबरदस्त स्टार्ट दिया है मुंबई को, और मुंबई जीतने वाली है मैच। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये देखिए, एक पेपर पढ़ रहा था मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें एक जबरदस्त न्यूज है जो अनफॉर्चुनेट है, एक्सीडेंट है। क्रिकेट क्या क्या कराता है लोगों से, ये देखिए। ये जो ड्राइवर्स वॉचिंग क्रिकेट ऑन फोन लेड टू ट्रेन क्रैश, कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। डिस्ट्रैक्शन है बड़ा, बट देन डिस्ट्रैक्शन तो अच्छी बात नहीं है, मगर अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट लोग फॉलो करते हैं, बट बुरी बात यह है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि लोगों की जान जा सकती है। बट देन एनी, चले चलते आगे, बीकेसी चलते हैं, देखते हैं मैच, माहौल देखते हैं क्या चल रहा है उधर। शरद पवार क्रिकेट अकेडमी, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज एक्सप्लोर करेंगे, वीडियोस करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, व्लॉग्स करेंगे। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड, शरद पवार क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पर तमिलनाडु और मुंबई के बीच में सेमीफाइनल हो रहा है। लगता है कौन जीत सकता है ये मैच, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो गया इनफैक्ट, लास्ट तक खींचा है मैच, लेट्स सी हु विंस दिस गेम। मजा आने वाला है ये मैच में। तमिलनाडु को बहुत खूबसूरती से आ रहा है, जिसमें शार्दुल ठाकुर की एक सेंचुरी थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर तनुष कोटिया ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की और विकेट भी निकाला। और यहाँ पर लुक एट द फैंस, और पिक्चर्स ही वेन्यू है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ पर सारे आजू बाजू हैं, जस्ट बिहाइंड धीरूभाई अंबानी ऑफिस के बाजू में है, जस्ट राइट नेक्स्ट टू इट। एंड दैट्स, पीछे आप देखेंगे कि शरद पवार क्रिकेट अकेडमी का पवेलियन है, लवली ब्यूटिफुल क्लब हाउस। रितेश जैन है जो मैच देख रहे हैं, दो तीन दिन से देख रहे हो, कैसा था एक्सपीरियंस रणजी ट्रॉफी मुंबई को सेमीफाइनल में आते हुए देखना? इतने क्लास प्लेयर्स को देखना ऑब्वियसली एक गुड वाइब है, इतना प्लेटफॉर्म मिलता है इनको, और अच्छा लगता है मुंबई को आगे बढ़ते हुए देखा। शार्दुल की सेंचुरी, ये शार्दुल का सेंचुरी भी देखा, उनका ऑटोग्राफ मिला, फोटोग्राफ भी हुआ। कहाँ पे हुआ? वहाँ पे, वहाँ पे बाहर मिले वो। अच्छा सर, कैसा बोले, क्या बोले, क्या कन्वर्जेशन हुआ? कन्वर्जेशन तो इतना नहीं हुआ उनसे, तनुष कोटियन से हुआ था। इतना रणजी ट्रॉफी देखकर और आईपीएल देखकर मतलब क्या ज़्यादा मज़ा आता है देखने में? ऑब्वियसली एक लॉन्ग फॉर्मेट देखने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आईपीएल एक शॉर्टर फॉर्मेट है, प्लेयर्स इंडिया को लॉन्ग फॉर्मेट के लिए ही चाहिए टेस्ट है। तो कुछ फैंस बैठे हैं जिनसे मैं पूछूंगा, यार आईपीएल ज़्यादा मज़ा आता है देखने को कि रणजी ट्रॉफी? रणजी, बट मेरा ये अभी तीसरा मैच है रणजी का, कंटिन्यूसली लास्ट वाला जो बड़ौदा से हुआ मैंने नहीं देख पाया, लेकिन अभी ये देखा। आपका नाम क्या है? नितेश। आपको रणजी की मतलब क्या, रणजी का क्या रीजन है? रणजी बेसिकली फाउंडेशन है इंडियन क्रिकेट का, सो बेसिक। मगर ऐसा तो नहीं हुआ कि यार रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी आ गई? नहीं, रिसेंटली क्या, रणजी मतलब एक क्रिकेट का हार्ट है, वहाँ से ही प्लेयर बनते हैं जो नेशनल लेवल पे जाके खेलते। बट आईपीएल भी तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, आईपीएल अब भी आए और 17 साल हुए। बेसिकली कैसे रणजी प्लेयर्स को देखते हैं तो कैसे
बेसिक से आ रहे हैं वो, तो हमको भी थोड़ा कनेक्ट ज्यादा होता है। आईपीएल से भी तो बेसिक से आते हैं, गरीब लोग भी खेलते हैं, खेलेगा तभी तो आईपीएल खेलेगा ना। रणजी देखते तो कनेक्ट ज्यादा होता है, आईपीएल में सारे फॉरेन प्लेयर रहते हैं, मोस्टली तो फॉरेन प्लेयर रहते हैं, तो ज्यादा फेमस प्लेयर रहते हैं। रणजी के लिए भीड़ क्यों नहीं रहती है आईपीएल में, इतना क्यों रहता है, क्या लगता है? उन्होंने एक क्रेज बना के रखा है, मे बी T20 क्रिकेट है, जल्दी गेम हो जाता है आज के तारीख में, डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने वैसा वो यार क्रेज बना के रखा है, एडवर्टाइजिंग ये वो, उसके वजह से आईपीएल का क्रेज ज्यादा, थोड़ा रणजी का लेगेसी ज्यादा है, लेगेसी मार्केटिंग करने की जरूरत है थोड़ा लग रहा है रणजी को। जियो टीवी पे सब मैच नहीं दिखा रहे रणजी, जियो टीवी पे रणजी के सब मैच नहीं दिखा रहे, अभी लास्ट वाला एक मुंबई का मैच था शायद, वो जियो टीवी पे नहीं था, नहीं दिखा रहा। अच्छा आप करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। आज इसके लिए छोड़ के आज छुट्टी ली। अगर चार मैच आप बोले देखे हो वो, मतलब छुट्टी छुट्टी वाले दिन, संडे संडे जो आया वो जाके देखा, पूरा नहीं पूरे 5 बजे, आज संडे नहीं मगर, लेकिन आज मूड हुआ मैच देखने का, क्योंकि मुंबई जीतने आने, तो बॉस को झूठ तो नहीं बोले ना, डाल दिया लीव नॉर्मल। आप लोग भी थोड़ा ड्यूटी मैनेज करके आए, चलो वेरी। रणजी ट्रॉफी इज बेसिकली क्रिकेट, एग्जीबिशन नहीं, आईपीएल इज एग्जीबिशन, यस बोल सकते हैं। आप तो बहुत हंस रहे हो, नो ओपिनियन नो कमेंट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट था ये नो कमेंट वाला, खाली स्माइलिंग भी इन्होंने जबरदस्त कर दिया, इन्होंने कह दिया कि फॉर हिम इट्स आईपीएल, राइट, इट्स आईपीएल। आर यू तमिलनाडु फैन? वेयर फ्रॉम? टीम। सो आर यू नॉट डिसअपॉइंटेड? आई लव क्रिकेट, यू लव क्रिकेट, बट देन दिस वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर, आई मीन हाउ अबाउट तमिलनाडु, यू नो मेकिंग अ पास ऑफ अ डिसीजन ऑफ बैटिंग फर्स्ट ऑफ योर, वर यू डिसअपॉइंटेड? And the way they played today? Yeah, they played well actually. They played well. You're happy? Yeah, I'm happy. They could have gone into the final if they defeated Mumbai. It was even till Shardul Thakur's batting. Are you must be happy with Chennai Super Kings doing well. More than Tamil Nadu doing badly in Ranji Trophy. To see Shardul batting. Good to see Shardul batting. Chennai Super Kings, right? Are yaar. मजा आ गया, मुंबई तमिलनाडु ऑटो मैच, शार्दुल ठाकुर जबरदस्त परफॉर्मेंस, तनुष कोटिया, अजिंक्य रहाणे, सबसे मुलाकात भी हुई प्लेयर से, और हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी करेंगे, व्लॉग भी करेंगे, मगर मुंबई फाइनल में है, वानखेड़े के में होने वाला है, विदर्भा रहेगा या MP, वो देखने लायक रहेगा, बट देन आई एंजॉयड, आई मेट द फ्यू फैंस, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आने वाले, डू सब्सक्राइब, शेयर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। अभी के लिए गुड बाय, सी यू टाटा।